हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग ये शब्द एडिटिंग नाम से तो बहुत ही फेमस होंगे, इससे आपको जानते ही होंगे, आप भी इसे यूज़ करते होंगे आजकल। एडिटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग सब काफ़ी पॉपुलर हो गया है। ये आज लोग 3D के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आजकल के साइंटिस्ट बहुत वर्क कर रहे हैं 3D और इन सब में। उन्होंने 3D प्रिंटर और वो सभी बना लिया। आजकल 3D में एनिमेशन और बहुत कुछ बनाया जा रहा है। आज हम इसी में एक 3D सॉफ्टवेयर ब्लेंडर की बात करेंगे, जिसे हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं अपने फोन में। अरे जिसे हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, आज हम बताएँ कैसे फ़ोन में। तो सबसे पहले आपको जाना है नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक, जाना है आपको लिंक पर। जाने के बाद कुछ ऐसी फाइल खुलेगी, इसमें आपको जाके पहला वाला फाइल, ये जो .zip का फाइल है, ये डाउनलोड कर लेना है। 9.9 MB का है। और फिर उसके बाद ये दूसरा ब्लेंडर 8.8.19.12 APK डाउनलोड करना है। इसके अलावा और कोई मत डाउनलोड करिएगा, ये सबसे लेटेस्ट और बढ़िया वर्जन है, इसे डाउनलोड करिएगा। इन दोनों के बाद को डाउनलोड करने के बाद इस APK को आपको इंस्टॉल कर लेना है। बस आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको खोलना है, कुछ ऐसा खुलेगा। तो आपको बैक जाना है, इसे बंद कर देना है और फिर जाना है अपने फाइल मैनेजर में, खोलना है जहाँ पर फाइल डाउनलोड किए। देखिए मेरा डाउनलोड में गया है, दिल्ली में जाना है और यहाँ पर इसको .blend एक्सटेंशन देना है zip फाइल से, BLEND, और सेव कर देना है। ओके कर दीजिए। तो आप चाहे तो अपने फाइल मैनेजर से कर लें, और फाइल मैनेजर ना हो पाए तो आप इसे Z अचीवर से भी कर सकते हैं। फिर अपने ब्लेंडर प्लेयर को खोलिए, स्टार्ट गेम पे दबाइए और जाइए जहाँ पर इसे खोले हैं। इसलिए मैं फाइल मैनेजर लेते हैं, जाऊँगा है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखने में इसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसे रूम करने के लिए जाएंगे सिस्टम सेटिंग में, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे और यहाँ पर सिस्टम पे जाएंगे और फिर मैनिपुलेशन जस्टर को ऑन करेंगे। जाएंगे अपने ब्लेंडर प्लेयर पे, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। डाउनलोड स्टार्ट करें, साफ खुलेगा। इसमें आप बहुत सारे जैसे अपना यूज करते हैं ब्लेंडर, आपको मेरा आपका पॉइंट है, इसको जहाँ जहाँ लिखाएंगे वैसे आपका खुलेगा। ऐसे यूज करते हैं और आप इसे यूज कर सकते हैं और अपने मन का अपना सकते हैं। वैसे मैं ब्लेंडर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बना नहीं पाऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसे जरूर ट्राई करिएगा, ये काफ़ी अच्छा है, ये आपके लिए भी फायदे में मिल सकता है। इससे आप कंप्यूटर रहने से बच सकते हैं, इससे आपको जरूरी नहीं है कि आप इसे कंप्यूटर में चलाएँ। तो मैं वीडियो चला के लिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा, क्योंकि है। और अगर आप कहेंगे ऐसा फ्रेंड्स के लिए मेरे वीडियो से